अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, भी इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने अमान में रखे, खुश आबाद रखे। और चल रहा है जिंदगानी में क्या मसरूफियात हैं सबकी, ऐसा ऐसा देखें सर्दियां गुजर रही हैं और हम लोग जनवरी आधा गुजार दिया है हम सब ने। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर से अपना टाइम लाए और खैर से ही तमाम जो टाइम है वो गुज़र जाए, आमीन सुमा आमीन। सबका टाइम बहुत अच्छा गुजरे, अपनी अमान में रखे सबको अल्लाह ताला। और नाश्ता मैं बना रही थी, ये मैं फ्राई अंडा खा रही थी टोस्ट के साथ। तो टोस्ट जो थे, मैंने क्रीम टोस्ट भी बनाया था, मेरा फेवरेट क्रीम टोस्ट, और दो जो हैं मैंने सिंपल बनाए थे। आपके नाश्ते की क्या रूटीन होती है आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आज जाना था हमने चची की तरफ नाश्ता करने के बाद, चलते हैं फिर। तो फ्रेंड्स, किस किस को शहद पसंद है? शहद मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्रीम टोस्ट के ऊपर अगर आप शहद डाल के खाएं तो मज़ा दोबाला हो जाता है, बहुत बहुत मज़े का लगता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए नहीं, नाश्ते को वाइंड अप करते हैं और मैं आपको लेकर चलती हूँ। लाहौर का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त, एंजॉय। सर्दियों का इख्तिताम अरूज पर है क्योंकि शिद्दत कम हो चुकी है सर्दियों की, और मौसम ओबियसली इसे आप कह सकते हैं ठंडा मीठा मौसम तो वो हो चुका है, और लोग ओबियसली इन्जॉय कर रहे हैं इसको। तो जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा स्नो फॉलिंग और काम ख़राब हो चुका है काफ़ी देर से, तो उधर तो कोई भी इंसान इस टाइम पे ना जाए क्योंकि न्यूज़ में काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा है, लैंड स्लाइडिंग और जो भी ख़तरे वाली बातें हैं, तो वहाँ पे तो कोई भी नहीं जा सकता और ना कोई जाए क्योंकि भलाई इसी में है ओबियसली कि नॉर्दर्न एरियाज़ का हम ट्रिप ना करें। तो लेकिन आज इंशाल्लाह मैं आपको एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको अपना जो मेरा ससुराल है क्वेटा सिटी उसका भी आपको व्यू करवाऊंगी इंशाल्लाह, उसको भी देखिएगा प्लीज़, क्योंकि उसकी कुछ क्लिप्स मुझे मेरे हस्बैंड ने भेजी हैं क्वेटा से, तो मेरा दिल कर रहा था कि आपके साथ उसको शेयर करूं क्योंकि पर्सनली आई लव स्नो फॉलिंग। बहुत से लोगों को स्नो फॉलिंग भी बहुत खुश हैं मेरे अचीवमेंट पे कि तुम 119 सब्सक्राइबर पे पहुंच गई हो, बहुत खुश है। और यूट्यूब ने भी आज मुझे 100 सब्सक्राइबर पर कंग्रेचुलेशन कहा है, तो थैंक यू सो मच, ये सब आपकी सपोर्ट की वजह से है फ्रेंड्स। आपके बगैर, आपकी सपोर्ट के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है, मेरी फैमिली, मेरे सब्सक्राइबर्स और ये सब मेरे साथ हैं, तो मेरे साथ सब कुछ है। अपनी चाचू और चाची से मिलके बाहर आ गए। खाने की मैं वीडियो नहीं बना सकी उस वक्त, तो ऐसे भूख लगी हुई थी और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने वीडियो भी बनानी है। फिर हम आते वक्त थोड़ी देर रुके अपने भाई के लिए बर्गर लेने के लिए, उसको और भूख लगी हुई थी तो उसके लिए फिर बर्गर लिया। तो ये नेक्स्ट डे है, ये मैं लेयर्स पराठा बना रही थी, इसकी मैंने काफ़ी बारीक स्ट्रिप्स काट के, तो मैं आपको रोशनी में भी दिखाऊंगी, इसकी बहुत ही बारीक स्ट्रिप्स काटी हैं मतलब शार्प नाइफ के साथ। सेकंड रोशनी में दिखाती हूँ, ये देखें। कोई भी काम करें एंजॉय करके करें, तो मैं हमेशा अपना कोई भी काम करती हूँ
तो एंजॉय करती हूँ और उसको रिलैक्स माइंड के साथ करती हूँ। जो अच्छा लगता है वही बनाती हूँ, वही करती हूँ, और एट द एंड अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जी फ्रेंड्स, हर गुजरते दिन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर पढ़ा करें। यहाँ पर मेरा खाना बन के तैयार है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मैंने बहुत मज़े का था। ये फ़ाइनल लुक मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी इस पराठे की, तो उसके लिए ये फ़ाइनल मैंने जल्दी जल्दी बनाया। मैंने कहा वीडियो ना लंबी हो जाए और आप मेरी बातों से बोर ना हो जाए, तो आई एम सॉरी अगर आप मेरी बातों से बोर हो रहे होंगे तो बंद कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन बस यही है, यही रूटीन है मेरी और यही। तो उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और ये एंड पे चाय, रात की चाय मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है सर्दियों में खासकर, मज़ा आता है इसको पी के। ये क्लिप्स जो मुझे मेरे हस्बैंड ने बना के दी थी क्वेटा से, तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करूं। ये हालात हैं क्वेटा के, काफ़ी बर्फ़बारी हो रही है, और दो तीन और भी क्लिप्स हैं वो मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगी आपको कि क्वेटा में क्या हाल है। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये भी रेनी डेज़, जो फर्स्ट रेनी डेज़ थे इसके बाद स्नोफॉल शुरू हुई थी क्वेटा में। सॉरी आई हैव नो म्यूज़िक इन माय वीडियो, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसको भी मैं सीख लूँगी हाउ टू पुट म्यूज़िक इन माय वीडियोस। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसको भी मैं इम्प्रूव करूँगी। अभी आप इसको ऐसे ही म्यूज़िक के बगैर इंजॉय कीजिएगा प्लीज़। अभी ये फर्स्ट ये ट्रैफिक का निज़ाम, जी ये है क्वेटा की स्नोफॉलिंग, बहुत प्यारी। आई पर्सनली लव दिस। पूरी उम्मीद करती हूँ आपको कुछ ना कुछ तो मेरे व्लॉग में अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड थम्स अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। थैंक